दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुतुब मीनार। तो गाइस आज हम बताएंगे आपको कुतुब मीनार के बारे में और दिखाएंगे आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप। तो मेरे पीछे जो आप कुतुब मीनार देख रहे हैं ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था सन 1100 में। और चलिए आपको दिखाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कब बनवाया था और कैसे बनवाया था। ये 7 मंजिला कुतुब मीनार है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना ऊंचा है। ये देखिए कुछ इस तरह का है कुतुब मीनार। ये है अलाई दरवाज़ा। अभी है अलाई दरवाज़ा, ये दिखाते हैं आपको अलाई दरवाजे के अंदर चलते। दोस्तों यह है इमाई ज़मीन का मकबरा, जो इस मस्जिद के इमाम थे उनका ये मकबरा है। तो आइए अंदर से दिखाते हैं। यह है इनकी कब्र, ये दिखा रहे हैं आप। ये इनकी कब्र है, यहाँ के मस्जिद में जो इमाम नमाज़ पढ़ाते थे उनकी ये कब्र है। तो आइए अभी हम दिखाते हैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा, और उसके बाद दिखाएंगे आपको अलाउद्दीन खिलजी का भी मकबरा आपको। इल्तुतमिश का मकबरा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जी के दामाद थे। 1335 ईस्वी में इनका इंतकाल। दोस्तों ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। ये अलाई मीनार जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाना स्टार्ट किया सन 1311 में, जो कि कुतुब मीनार से दो गुना ऊँचा बनवाने की कोशिश की गई थी, बट वो जब से उनका इंतकाल हुआ है ये वही उठ गया है, तो इसका काम सुनकर हुआ है।